मुंबई के आर्यवन क्षेत्र में मुंबई मेट्रो ने जो 1800 पेड़ लगाए थे उनमें से 800 पेड़ सूख गए हैं। पेड़ों पर उनके नंबर और वे कहां से लाए गए हैं वो लिखा गया है, लेकिन इनमें से 50% से भी ज्यादा पेड़ सूख गए हैं। बताया जा रहा है कि पेड़ों का प्रत्यारोपण करने के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिसकी वजह से ये पेड़ सूखे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के आर्यवन क्षेत्र में मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड बन रहा है, जिसके लिए करीब 2100 पेड़ काटे गए हैं, जिसमें से अब तक 1800 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जा चुका है। इन पेड़ों को मुंबई के आर्य और संजय गांधी नेशनल पार्क इलाके में प्रत्यारोपित किया गया। पेड़ों पर लैमिनेटेड कागज पर उनका नंबर और वे कहाँ से लाए गए हैं ये लिखा हुआ है। कुछ पेड़ तो ठीक ठाक हालात में हैं, लेकिन उनमें से तमाम पेड़ों की हालत खराब है और वे सूख चुके हैं। कुछ पेड़ों के तो बस तने बाकी बचे हैं, और सिर्फ आरे में ही नहीं बल्कि मुंबई के कई इलाकों में इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिन पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है वास्तव में उनको मार दिया गया है। यहाँ पर यह भी बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रत्यारोपित करने के लिए पेड़ों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की है। जोरू भतेना भी इस समिति के सदस्य हैं। जोरू भतेना ने भी माना है कि 50% पेड़ सूख चुके हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि आर्यवन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर काफी विवाद हुआ था। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए। जी मुरारी, तो मुंबई के आर्य वन में जो पेड़ों को काटा गया और उन्हें प्रत्यारोपित किया गया, उनमें से 1800 पेड़ जो प्रत्यारोपित किए गए उनमें से 800 पेड़ सूख चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। क्या ये पेड़ों के सूखने की वजह क्या है? क्या सरकार इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही इन्हें लगाने के बाद? जी, शायद यही वजह थी कि ये पेड़ सूख गया। आपको बता दें कि पेड़ को की जो कटाई हुई थी वो रातों रात कटाई की गई थी, और सही तरीके से उनका जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था। एक वजह ये भी सूखने का माना जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अंदर काम चल रहे थे और दो दिन के अंदर पेड़ काटे गए और उसे लगाने में शिफ्ट करने में जो है कि वक्त लगा, और एक वक्त लगा, यही वजह है कि पेड़ सूखे हैं। हालांकि अभी भी जो वो इलाका है वो चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, अभी भी कोई अंदर नहीं जा सकता है, तो जो अंदर की स्थिति है वो तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो पेड़ लगाए गए थे वो सही तरीके से नहीं लगाए गए थे, पानी उन्हें नहीं दिया गया था, शायद यही वजह था कि 800 से भी अधिक पेड़ सूख गए। जी मुरारी, साथ ही इन पेड़ों को प्रत्यारोपित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति का गठन भी किया, इसके बावजूद भी इस तरह से जो बरता गया है, जो सावधानी नहीं बरती गई पेड़ों की देखभाल के लिए, तो सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चीज़ को लेके उतनी सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। जी, यही वजह है कि पेड़ों का इतना उसके ऊपर खर्चे किए गए, उसका ट्रांसप्लांट किया गया, वहाँ पर लगाया गया। एक चीज ये है कि रात में पेड़ कटी गई, पेड़ काटने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि 5 से 7 दिन हो गए थे उन पेड़ों को लगाने के लिए, रात के अंधेरे में काम हुआ था, इसलिए सही तरीके से उनकी खुदाई भी नहीं हुई थी, सही तरीके से पेड़ वहाँ से निकाले भी नहीं गए थे, यही वजह था कि पेड़ सूख गया है। अब अगर इसमें अधिकारियों की बात करें तो बीएमसी के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि इलेक्शन चल रहे हैं, कर्मचारी जो थे, अधिकारी जो थे, वर्कर जो थे, वो इलेक्शन में बिजी हो गए थे, तो इस तरीके की बातें देखने के लिए आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कोर्ट इतना गंभीरता लेती है, आदेश देती है, और कोर्ट की एक टीम बनाने की बात कही जाती है, और फिर भी इतने बड़े पेड़ जो है कि इतने सारे पेड़ सूखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह है उसे भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को जानना जरूरी है। जी मुरारी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पर्यावरणविद विजय धस्माना जी जुड़ गए हैं। विजय धस्माना जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, आर्य क्षेत्र में जो 1800 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया था उसमें से 800 पेड़ सूख गए हैं। इन पेड़ों को मुंबई मेट्रो ने ट्रांसप्लांट किया था, अब ऐसे में इन पेड़ों को जिंदा करने के लिए क्या किया जा सकता है? धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में हमें मौका दिया। मेरे ख्याल से जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं, सबसे पहले तो ट्रांसप्लांटिंग की जो प्रक्रिया है ये लगभग 1 महीने की प्रक्रिया होती है जी। इसमें अगर आप चाहते हैं कि वो पेड़ जिंदा रहें, तो एक तो इससे पहले का लॉजिक जो है वो बहुत समझना जरूरी है कि
जो ट्रांसप्लांटिंग है वो इसलिए की जाती है कि हम क्या इन पेड़ों को बचा सकते हैं क्या, इनको काटने के एवज में बचा सकते हैं क्या। तो जब अगर उद्देश्य ये है कि इनको बचाना है तो एक लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि आप पहले उसको एक रूट बॉल को आप प्रोटेक्ट करते हैं, नए रूट्स को आने का मौका देते हैं, और जब वो नए रूट आ जाते हैं, जब वो पोषण जमीन से लेने की क्षमता में होते हैं, तब जाके आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसको। तो ये सब तो हुआ नहीं आरे में जी। तो अगर ये सब हुआ नहीं है तो पेड़ को झटका लगा है, बुरी तरह झटका लगा है, आपने उसके मेन रूट सारे काट दिए हैं और उसके बाद वो कोई भी संभावना नहीं है कि वो बच पाएंगे। अगर एक दो परसेंट बच जाए तो बड़ी बात होगी। और स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब आप अगर आप चाहें कि आम का पेड़ ट्रांसप्लांट कर दें, बड़ा आम का पेड़ ट्रांसप्लांट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। पीपल का अगर आप चाहते हैं तो वो भी उसकी एक एज है, उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गुल्लर हो गया, बर्ड हो गया, इनको आप कुछ हद तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जिस तेजी से काम किया गया है, जिस जल्दी में काम किया गया है, तो उसमें ये प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसप्लांटिंग उसको ध्यान नहीं रखा गया है क्लियरली। और जो एक पेड़ मर गया है उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं जी। आप किसी भी हालत में रिवाइव नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ बच जाएंगे क्योंकि वो हो सकता है उनका रूट बॉल इंटैक्ट रहा होगा, लेकिन ज्यादातर मरेंगे ऐसा मेरा संभावना है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। सर, कोर्ट की निगरानी में पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया था, ऐसे में जो भी पेड़ सूख गए तो अब पर्यावरणविद और स्थानीय लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, कोर्ट ये कह देना कि कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट तो टेक्निकल बॉडी नहीं है, कोर्ट आदेश देती है, उसके अंदर एक टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो मॉनिटर कर सके इसको, या कोई रिपोर्ट दे सके कि इसमें प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम ये मैकेनिज्म कोई डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। अब बचा क्या है? बचा तो यही है कि हमको जो नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग को लेकर, उस पर सवाल खड़े किए जाएं। दिल्ली बना रहा है, बाकी जगह भी बना रहे हैं कि ट्रांसप्लांटिंग को लेकर सवाल खड़े किए जाएं। हमारे पास कोई भी आज तक सफल उदाहरण नहीं है कि हमने एन मास ट्रांसप्लांटिंग की हो और वो सक्सेसफुल रही हो, और स्पेशली पब्लिक प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए इसकी जरूरत है कि ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाया जाए और प्रश्न उठाए जाए कि ये जो जिस तरह से जस्टिफाई कर दिया जाता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स को, अच्छा हम तो पेड़ ट्रांसप्लांट कर देंगे जी, और मान्यता माना ये जाता है कि जो ट्रांसप्लांट हो गया वो जिंदा रहेगा, ये बहुत ही छलावा है, बड़ा छलावा है। और मेरे ख्याल से लोग कोर्ट तो जाएंगे, तो देखें क्या होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय धस्माना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समीर रतूड़ी जी पर्यावरणविद जुड़ गए हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, जिस तरह से मुंबई मेट्रो ने आरे वन क्षेत्र से 1800 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया था, उनमें से 800 पेड़ सूख गए, आखिर 50% जो पेड़ सूखे हैं उनकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलना कि हमने 2200 पेड़ों का पुनर्वास कर दिए या विस्थापन करके कहीं और लगा दिया, सबसे बड़ा छलावा हमारे साथ है। वो 10 साल तक के लिए जो पेड़ 10 साल तक जो पेड़ बड़ा हुआ है उसको ऐसा प्रभावित तो नहीं किया जा सकता तरीके से। और आज जो बता रहे हैं कि 1800 पेड़ों में से 800 पेड़ पूरे मतलब पूरे सूख गए हैं, ये बताता है कि हमने जो पुनर्वासित करने का जो तरीका अपनाया है वो सिर्फ इस हालात अपनाया है कि ताकि हमारा जो पेड़ खाली हुए हैं उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे हों, लेकिन हमने इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम जहाँ पेड़ लगा रहे हैं, क्या वो भूमि या वो जो उर्वरता उस भूमि की है, क्या उसको उस पेड़ को सुटेबल है कि नहीं है, या फिर हमने उसकी देखभाल भी नहीं करी हो। तो ये हमारा बोलना इस बात को लेकर भी है कि जिस प्रकार का प्रोसेस सरकार मेट्रो द्वारा किया गया, 800 पेड़ लगाने की बात की गई जो सूख गए हैं, वो हमारे लिए सवाल इंसान पैदा करते हैं कि हम जिस प्रकार से पुनर्वासित करने की बात कर रहे हैं पेड़ों को, वो प्रोसेस सही नहीं है। उसको हमें पूरा पूरा पुनर्वासन करके एक ठोस स्थिति बनानी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए इस मामले में जी। समीर जी, आप हमारे दर्शकों को पेड़ों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को जरा विस्तार से समझाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग जब कभी विकास के मॉडल में कुछ चीज खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो एक नीति बनती है कि जो एनवायरमेंट का लॉस होता है, जिसमें पेड़ों का कटान होता है, उसको हम कहीं ना कहीं पुनर्वासित करने की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हुआ था, टिहरी बांध जब बना था तो वहाँ से कई हजार पेड़ों को उन्होंने झांसी में रिहाइबिलिटेट करने की बात की थी, लेकिन झांसी में आज भी पेड़ नहीं पनप पाए हैं, पूरे ढंग से नहीं बनते हैं।
होना क्या चाहिए कि जिस इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हम करना चाहते हैं, जहां हम लॉस की बात करना चाहते हैं, पहली बात भी कही यह होनी चाहिए कि जिस एरिया से आप लोगों ने पेड़ों को काटने का काम किया है, उसी एरिया में कहीं ना कहीं एरिया पे आप लोगों को उस पेड़ों का प्रत्यारोपण करना चाहिए, ताकि वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस बने रहे, ना डिसेबिलिटी ना रहे। सबसे दूसरी बात यह कि अगर आप संभवतः कहीं और करना चाह रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा इस बात को लेकर कि जो उर्वरता उस भूमि की होती है, क्या उस उर्वरता उस भूमि के अनुसार हम उन वृक्षों को लगाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ हम खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। जब तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी पेड़ की को काटने काम कर रहे हैं, तो जो उसके आउटपुट है, उस आउटपुट का हमें आकलन करना चाहिए, और संभवतः हो सकता है कि हम आकलन संभवतः उसी पेड़ से ना कर पाए, तो दूसरा जो पेड़ हम लगाने की प्रयास कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट होता है, फलों का पेड़ हो गया या मिश्रित फल की बात हो गई, अगर ये लगते हैं और इनका जो आउटपुट होता है वो अगर इसको मैच करता हुआ हो, तो हमें लगता है कि हम प्रत्यारोपण को सही ढंग से करने की बात करें। और अंतिम बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने कई बार देखा कि अभी हमारी उत्तराखंड सरकार से लगातार बात हो रही थी, तो हमें जब लगा कि बिजली लाइन बिछाने की बात की जा रही थी, तो सरकार को उस प्रोजेक्ट वालों ने जमीन दुगनी को दुगनी तीन जमीन खरीद दी है। इसी प्रकार जब हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें पेड़ों की संख्या को दुगना चौगुना पांच गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने पेड़ हम लगा रहे हैं वो पेड़ का जो पनपना होगा वो 100% हो, वो शायद 60% भी हो सकता है, 70% हो सकता है, या 20% भी हो सकता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस का हमारे बहुत जरूरी है कि हम उस घनत्व को मेंटेन करें जो घनत्व हम तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। जी समीर जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रवैया सरकार का रहा है अब तक, पहले पेड़ों को काट दिया, प्रत्यारोपण भी किया, लेकिन 800 पेड़ अब सूख चुके, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो बोलती है उससे उलट उसका बिहेवियर है। देखिए, बिल्कुल ये सत्य बात है कि जिस प्रकार से सरकार को अपना रुख अपनाना चाहता पर्यावरण को लेकर, इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर करना चाहता है, वो शायद संभवतः सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया, जिससे बोलने के लिए रह गया कि हम पर्यावरण को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। और संभवतः ये भी दर्शाता है इस बात को लेकर कई विरोधावास को बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए सिर्फ प्रत्यारोपण की बात की गई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहता। सरकार को देखना चाहता कि अगर किसी बात को करना चाह रहे हैं कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के नाते यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की बात की जानी चाहिए, प्रत्यारोपण की बात की जानी चाहिए, तो उनको मेंटेन करने के लिए उसको पूरी ठोस पॉलिसी बनाई चाहिए थी और कार्यवाही भी की जानी चाहिए थी, जिसमें सरकार पूरी पूरी फेल रही है, इस बारे में कोई दोराय नहीं है। जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।